जो करने का वो कर नहीं पाते, जब एकदम तो मन से सोचा तो हो ही जाता है। पॉसिबल सेड दैट आई एम पॉसिबल। थिंकिंग में फर्क बताया सर ने, इतना बोला सिर्फ अपना माइंड शांत रखो क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। माइंड पावर प्रोग्राम में आई केम टू नो दैट फीमेल ब्रेन वर्क मोर देन मेल ब्रेन। किंग मेल, फीमेल का ब्रेन ज़्यादा वर्क करता है मेल से, भले साइज में या वेट में मेल का ब्रेन ज़्यादा हो लेकिन वर्किंग में तो फीमेल का ब्रेन ज़्यादा वर्क। रीज़न ये है कि फीमेल ज़्यादा इमोशन वाली होती है, वो ज़्यादा सोचती है, वो ज़्यादा अटैच होती है इमोशन। प्रोग्राम को कम्प्लीट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब मोटिवेशनल गुरुजी मिस्टर सचिंद्रा एंड क्लिक ऑन बेल आइकॉन टू सी द लेटेस्ट वीडियो फर्स्ट ऑन योर मोबाइल। और यहाँ पे करियर ज्योति एजुकेशन, तो करियर ज्योति एजुकेशन का आपको पता रहेगा टोटल 5 ब्रांचेस है, पता है नहीं पता। तो हम लोग ऐसा क्यों इतने कम पीरियड में, आप लोग देखो कुछ कुछ क्लासेस 20-20 साल से 15-15 साल से एक ही क्लासेस है, क्यों ऐसा? क्योंकि तो ठीक है, ये आपको एनर्जी देगा, इनर एनर्जी देगा, आपको फील नहीं होगा, आप ऐसे नहीं हो जाओगे तुरंत छोटा भीम लड्डू खाने के बाद हो जाता ना, वैसा फील नहीं होगा। लेकिन इनर एनर्जी 21 डेज के बाद आप उसका इफेक्ट देखोगे, ठीक है। तो अभी सेशन हम लोग एंड कर रहे हैं और लास्ट अभी मैं आपसे बोलूँगा कि कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, मैं कोशिश करूँगा आपको आंसर देने के लिए, और क्वेश्चन होने चाहिए। ओके, राइट ब्रेन में था क्या था आपने वो सुना है, किसी को हम लोग हिप्नोटाइज करते हैं, वो हिप्नोटाइज था किसी को हम लोग आँखों में आँखें देख के उसका पूरा ब्रेन को कंट्रोल करते हैं और उसको जैसा बोलते हैं वैसा, पिक्चर में दिखाता नहीं है उसको बोलते हैं मेरा बात सुन रहा है तो मेरे तरफ ध्यान से, ये एक्चुअल में होता है, होता है। ये मैंने 2 डेज का प्रोग्राम में मैंने किया था कि अगर कोई वहाँ पे उस साइड है आपके बैक साइड में, जैसे सर टर्न सर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जैसे आप खड़े जाओ ऐसा टर्न हो जाओ पीछे टर्न, इसके अभी ये खड़ा है मैं नॉर्मल गया और यहाँ पोर्शन में, इस पोर्शन में मैं पूरा फोकस होकर उसको देख रहा हूँ और मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ ऐसे मन में, हाँ उसको बोल दे रहा हूँ। और 3-4 बार जब मैं पूरा फोकस होकर उसको इंस्ट्रक्शन दूंगा ना तो ऑटोमेटिक टर्न होगा। आपने पिक्चर देखा रहेगा शाहरुख खान का पलट पलट पलट, तो उसको एक गाय एक उसको इंस्ट्रक्शन देता हूँ इसको काजोल को, और काजोल क्या करती है पलटती है। तो ये ऐसी नहीं कि आप भी बोलोगे सर अच्छा आज हम लोग ट्राई करेंगे, लड़की देखी पलट पलट नहीं पलटी, क्योंकि शाहरुख खान के अंदर कई साल का उसके साथ वो इमोशन जुड़ा रहता है, समझ में आया, उसको पूरे इमोशंस जब जुड़ा होता है और जब दोनों की फीलिंग्स जुड़ती है तब ये काम करता है, तब आप उसको पूरा फोकस होकर जब बोलते हो पूरा फोकस तब ये काम करता है, तब उसको एनर्जी जब पास होता है ना तब ये चीज़ होता है, वो उसके लिए पूरा एक्सरसाइज होता है। और दूसरा टेलीपैथी ये होता है कि हम किसी को एक मैसेज देते हैं, बहुत दिन हो गया फोन नहीं आया और अचानक उसका फोन आ जाता है, एक टेलीपैथी के थ्रू उसका मैसेज जाता है। If you think about any person, अगर आप किसी के बारे में सोचते हो और उसका फ़ोन आ जाता है तो आप क्या बोलते हो, तेरी उम्र 100 साल रहेगी, अभी तेरे बारे में ही सोच रहा था, इसको बोलते हैं टेलीपैथी। हम लोग कभी कभी हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड एक इंस्ट्रक्शन देता है और वो कभी कभी रस्ते में मिल जाता है, अरे सब तेरे बारे में सोच रहा था, होता है नहीं होता है, हुआ है कि नहीं हुआ है कि मैं मेरे बारे में बता रहा हूँ, मेरे साथ ही हुआ है, नहीं हुआ कभी हमारे रिलेटिव में कभी कभी कभार होता है, हमारा फेवरेट डिश सोचते हैं, कभी क्वेश्चन को लेके सोचते हैं, वो टेलीपैथी होता है। टेलीपैथी को टेलीफोन में कन्वर्ट किया गया, जो वायरलेस बनाया गया, वायरलेस हमारा मोबाइल क्या है, नंबर डायल किए
किस से कनेक्ट होता है, डिश, जो डिश लगा हुआ है, टावर कनेक्ट होता है, सैटेलाइट कनेक्ट होता है अगेन डिश, और डिश कनेक्ट होता है आपके मोबाइल से। तो ऐसे ही हमारा जो माइंड है ना, यूनिवर्स से कनेक्ट। और आप क्या बोलते हो? ठीक है, अच्छी बात है। दोनों एक्टिव हो तो उस समय पे आपके पास चॉइसेस होता है कि मुझे एक्टर बनना है या डॉक्टर बनना है। एक्टर बनना है या कभी कभी होता है, कभी कभी एक्टिंग बनना है, और लेकिन डॉक्टर बन के भी होता है कि नहीं? कोई डॉक्टर अभी देखो, एक डॉक्टर एकनाथ शिंदे ऐसा कोई था है शिवसेना का, जो डॉक्टर है लेकिन पॉलिटिशियन है या नहीं है? तो ऐसा होता है कभी कभी, आप डिग्री लेके भी आप अपने इंटरेस्टिंग फील्ड में जा सकते हैं। आपको एक्टिंग करना था, एक्टिंग करने में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन माँ बाप ने आपको इंजीनियर बना दिया, चल इंजीनियर कर, एक्टिविटी तेरे बस का बात है। तो इंजीनियरिंग करने के बाद भी आप एक्टिंग क्लास ज्वाइन करके आप एक्टर बन सकते हो, होता है नहीं होता? जब दोनों एक्टिव हो कर सकते हो। और कभी कभी ऐसा होता है आपको बहुत इंटरेस्ट एक्टिंग करने का, माँ बाप ने बना दिया आपको इंजीनियर, आप फेल हो जाते नहीं कर पाते। और दोनों एक्टिव बहुत रेयर कंडीशन होता है, बहुत रेयर होता है। ये ब्रह्मांड में सब कुछ पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं कि अगर मैं बोली ये नहीं हो सकता तो वो भी हो सकता, सब कुछ पॉसिबल। इसलिए वर्ड है नथिंग इज यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब कोई भी बोला हुआ शब्द ऐसा ही होता ऐसा नहीं होता। न्यूटन का लॉ है ना, कोई भी ऊपर से फेंकी हुई चीज नीचे ही आती है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। ऊपर से बॉल फेंको वो बाउंस आती वापस ऊपर जाती है, उस समय शायद वो बॉल का आविष्कार नहीं हुआ था न्यूटन के टाइम। सेब ही था ना, ऊपर से गिरा और नीचे आया, तो न्यूटन ने क्या बोला कि ऊपर से गिरी हुई हर चीज़ क्या होती है। तो न्यूटन जब मर गया तो उसके बाद बॉल बना, जब हम लोग क्रिकेट, अब न्यूटन को भी गलत साबित कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या बोला, ऊपर से गिरा चीज़ नीचे नहीं आता, तो ऊपर से जाके एप्पल छोड़ा, तो न्यूटन खुश हो गया। एग्जाम्पल देखा, बोला था ना ऊपर नहीं आता है, तो बोला रुक अभी, फिर बॉल लेके रबड़ी बॉल और वो छोड़ा और वापस ऊपर गया। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है, किसी को अगर गलत साबित करना, क्वेश्चन मार्क। अभी आपको पता है एक हॉपकिंस एक साइंटिस्ट था, यस, उसने क्या बोला, गॉड है ही नहीं। क्या बोला उसने, इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, बोला नहीं बोला? और बहुत तुमने माना भी उस बात को, सब लोग मान गए क्या? किसी ने साईं बाबा की पूजा की और मनाया कि भगवान लड़का पैदा हो गया। अब जिसको लड़का पैदा हो गया वो उसकी बात मानेगा डॉक्टर की? बोला थोड़ा पागल है, अच्छा मर गया। समझ में है? तो इस ब्रह्मांड में हर बोली हुई चीज सही, इसलिए वर्ड है नथिंग इज यूनिवर्सल, गलत साबित हो सकता है। अगर मानने वाला तो यही बोलेगा ना, देख भगवान के बारे में गलत बोला ना, इसलिए तेरे को बहुत दंड मिला, इसलिए बोला। और वो क्या बोलेगा कि नहीं, मेरा ये नर्व सिस्टम डैमेज हो गया इसलिए मुझे ऐसा हो, वो तो यही बोलेगा, साइंस का भाषा बोलेगा। वो कौन सा भाषा बोलेगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं चल रहा था इसलिए मुझे ऐसा हो गया, समझ आ रहा है? और भगवान को मानने वाले क्या बोलेंगे? अभी जैसे एक बात बोल रहा है, यहाँ पे जय भीम भी मानने वाले लोग है, वो बोलते भगवान नहीं है। देखो वो बोलते भगवान नहीं है, राइट है भगवान नहीं है, लेकिन भगवान को मानने वाले भी लोग हैं। अब गौतम बुद्ध को किसके रूप में माना जाता है? भगवान के रूप में। ये आपके मानने के ऊपर, किसके ऊपर है? मानने के ऊपर। बोले ना, माना तो पत्थर, नहीं सॉरी, माना तो भगवान, ना माना तो पत्थर। एग्री करते नहीं करते? यहाँ पे रहेंगे जैन भी रहेंगे, भक्त को भी रिस्पेक्ट करता है, और बोलते भगवान नहीं है तो नहीं है। मुसलमान बोलता है भगवान नहीं है तो नहीं है। हिंदू बोलता है भगवान है तो है। समझ में आता है? वो आपके ऊपर है किसके ऊपर मानना है। अब देखो भगवान मानने वाले लोग में भी लफड़ा है, हमें यहाँ नहीं पूछेगा कौन भगवान को मानता है। अब भगवान मानने वाले में भी लफड़ा है, कोई बोलता है कृष्ण भगवान, कोई बोलता है हनुमान जी, कोई क्या बोलता है गणपति बप्पा, समझ में आ रहा? कोई बोलता है साईं बाबा, जिसको जहाँ से फायदा हुआ। गलत बोल रहा हूँ?
गलत बोल रहा हूँ। एक दिन मैं आपको ऐसा एग्जांपल बता रहा हूँ, मैंने शेयर किया, अच्छा उसने पूछा ये बोलते ना क्वेश्चन पूछे तो फायदे आपके ही है। मैं नाई की दुकान में बाल कट कर रहा था, उसकी चार लड़की थी, कितनी लड़की थी? बोलता है यार ऐसी बात बात में निकाला, बोलता है मैं जो अपना हम लोग जाते हैं गणपति बप्पा का दर्शन करने, यहाँ पे देखो बहुत भीड़ होता है, लाल बाग का राजा बहुत भीड़ होता है। बोलता है यार वहाँ पे सब मन्नत पूरी होती है। मैं गया, मेरा मन्नत पूरी नहीं हुआ, चार लड़कियों में लड़का चाहिए था, चौथी भी लड़की हो गई। हाँ लेकिन मेरा रिलेटिव आया गाँव से और उसने सुना और मेरे को फ़ोन करके बोला कि यार वो लाल बाग का राजा में मन्नत पूरी होती है तो मैं आना चाहता हूँ, मतलब मेरा ये मन्नत है। तो मैं उसको क्यों बोलूँ कि नहीं यार मेरे साथ ऐसा नहीं, बोला आ जा और हम दोनों के लाल बाग के राजा के दर्शन कर लें। और बोला दर्शन करके आए, बाद में उसको लड़का हो गया और मुझे लड़की हुई थी। तब इसको जहाँ पे फायदा हो जाए, बोला ना भगवान को मानने में भी लपड़ा है, इसको जहाँ से फायदा हो जाए। तो इसलिए ऐसा होता है। आपने एक सिंपल सा एज अ टीचर मैं खुद बोलता, हर धर्म अच्छा है, आप जिस भी कास्ट में हो, जिस भी धर्म में हो, आप उसको दिल से मानो। आप बुद्धिस्ट हो तो मानो जिस चीज़ को आप मानते हो, आप जैन हो तो आप जिस चीज़ को मानते हो उसको मानो, समझ में? आप गणपति बप्पा को मानते हो उसको मानो, अगर आप मुसलमान हो तो जिसको मानते हो उसको मानो, क्योंकि जिस चीज़ को मानोगे उसको शक्ति आ जाती है। समझ में आ रहा है? एक बुक है 10 सीक्रेट, सुना है कभी? हाँ। उसका वीडियो 1.5 घंटे का। एक पत्थर होता है, पत्थर वो समुद्र के किनारे एक पत्थर आता है, उस पत्थर को बोलता है कि अरे तू मेरे लिए बहुत तरक्की पत्थर है, जो तुझे देखता हूँ तो तुझे वैसे मेरे ज़िंदगी में बहुत ग्रोथ हो रहा है, बहुत आ रहा है। और जब भी अच्छा काम करता है, सुबह उठता है, रात को सोता है, हमेशा उस पत्थर को धन्यवाद बोलता है। और ऐसा चमत्कार हुआ उसकी ज़िंदगी में कि वो कुछ भी काम करने जाता था उस पत्थर को धन्यवाद बोलता था और वो काम हो जाता था। अब वो पत्थर को डियर फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब मोटिवेशनल गुरुजी मिस्टर सचिंद्रा एंड क्लिक ऑन बेल आइकॉन टू सी द लेटेस्ट वीडियो फर्स्ट ऑन योर मोबाइल एंड इट्स